नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। आगे बढ़ते खबरों का रुख करें उससे पहले आपको दिखाएंगे सात तस्वीरें जो आज की बड़ी खबरें हैं। तो चलिए नजर डालते हैं सात तस्वीरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी ने एक बार फिर से योगी सरकार की तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी मिशन यूपी पर है और काफी देर मौन धारण करने के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी योगी सरकार पर बरसती हुई नजर आई है। दूसरी खबर है पत्रकारों से जुड़ी। जी हाँ, पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत के साथ साथ अब कंधार में भी भारतीय पत्रकार की हत्या हुई है, जिसके बाद पत्रकार जगत में शोक की लहर है। वहीं फर्जी अकाउंट को ट्विटर ब्लू बेज देने को तैयार है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं कू ऐप से ट्विटर डरा हुआ तो नहीं है। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां पर कल देर रात बड़ा हादसा हो गया और यहां पर अधिकारियों की एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है। वहीं आगे बढ़ते रुख करेंगे, देश में फिर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। जी हां, कोरोना का खतरा फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आखिरी तस्वीर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में फेरबदल के आसार नजर आ रहे हैं। तो इन सात तस्वीरों पर बात होगी और इन सात तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ये आज की बड़ी खबरें हैं, जिसके बाद अब हम आगे बढ़ते रुख करेंगे सबसे पहली खबर का। छह राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या अब भी चिंताजनक है। जी हां, पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर चर्चा की है। इन राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने पीएम मोदी ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ कर दी है। यूपी सरकार के थ्री टी मॉडल का जिक्र कर दिया, हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन थ्री टी मॉडल का जिक्र जरूर किया है। इस चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर काम किया है। प्रदेश ने 5.7 करोड़ टेस्ट किए हैं। यहाँ की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला परिषद और ब्लॉक के चुनावों में सिरे से सपा बसपा को नकार दिया है। इन्हें घर बैठे का संदेश दिया है और भाजपा को काम करने की जिम्मेदारी दी है। सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा, हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या अब भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले सप्ताह करीब 80% नए कोरोना मामले, आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल में है, उन्हीं राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ती जा रही है। नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाना बेहद आवश्यक है। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था, तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके बाद वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में
संक्रमण ज्यादा है वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय और जरूरी कदम है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों रूरल एरिया उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे रिसोर्सेज के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। इलाज के लिए मरीजों और परिजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 पीएसए प्लांट एलोकेट किए गए हैं उनमें से 53 कमीशन हो चुके हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द पूरा करें। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की वर्चुअल तरीके से। जिन राज्यों में कोरोना के मामले अब भी लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति चिंताजनक है, चाहे वो केरल हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, यहाँ पर लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरों से लेकर गांवों तक हमें फोकस करने की जरूरत है। वहीं ट्रीट और ट्रेस और ट्रीटमेंट, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर अभी काम करने की जरूरत है। जिस तरह से यूपी सरकार काम कर रही है, छूट भी दे रही है लेकिन लापरवाही होने नहीं दे रही है, ऐसे ही उन राज्यों को भी काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक की थी और 2020 में से लेकर अब तक वो लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कोरोना की लहर में किस तरह से राज्य सरकार को काम करना है, किस तरह से राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, राहत पैकेज कैसा होना चाहिए, कितने राज्यों को मिला है, कितने राज्यों को मिलना बाकी है, इन सभी पर लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर भी अब सर पर खड़ी है, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों को सचेत कर रहे हैं। इन दिनों लगातार पत्रकारों पर जानलेवा हमले की खबरें सामने आ रही है। वहीं पत्रकार लगातार अपनी जान पर खेलकर सच को उजागर करने और सबके सामने लाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, पर उन्हें इसकी कीमत आए दिन अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वहीं एक नई खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में आतंकी हिंसा की कवरेज के लिए गए एक भारतीय पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चारों ओर कोहराम मचा रखा है। रॉयटर्स एजेंसी के मुताबिक फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालातों को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी की दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। दानिश सिद्दीकी की मौत कंधार प्रांत के स्पीन बोल्डर इलाके में हुई, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जहां वो मौजूदा हालातों को कवर कर रहे थे। बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद सही यहाँ भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी की बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज के लिए वहां गए थे। सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्ट के रूप में की थी और बाद में वो फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। दानिश सिद्दीकी साल 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिद के साथ पुलित्ज़र पुरस्कार जीत चुके हैं। उस समय वो पुलित्ज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। दानिश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी कवर किया था। इससे पहले दानिश सिद्दीकी ने 13 जून को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो जिस वाहन में सवार थे उस पर हमला किया गया था। उन्होंने लिखा था, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सुरक्षित बच गया।
अफगानिस्तान में जारी संकट को कवर करने गए दानी सिंह की लगातार वहां के हालात को कैमरे में कैद कर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी कर रहे थे। अपने हैंडल के जरिए दानी सिद्दीकी अफगानिस्तान से कई तरह के जीवन को एक साथ दिखाने की कोशिशों में लगे हुए थे। साल 2018 में दानी सिद्दीकी पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। यह अवार्ड रोहिंग्या मामलों में कवरेज के लिए उन्हें मिला था। दानी सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिस्ट के रूप में की, बाद में वो फोटो जर्नलिस्ट बन गए। हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा, कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन, ऑक्सीजन संकट के दौरान दानी सिद्दीकी द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। हमने सबने देखी होंगी ट्विटर पर दानी सिद्दीकी की इन तस्वीरों में देश के अलग अलग हिस्सों का दर्द दिखाया गया था। हमारे एक बहुत मशहूर पत्रकार साथी दानी सिद्दीकी का इस तरह असमय दुनिया से चला जाना बहुत ही दुखद है। दानिश रॉयटर से जुड़े हुए थे और इस समय अफगानिस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके इस तरह के कार्य, उनके अद्भुत कार्य की वजह से उन्होंने न देश, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने नाम को ऊपर किया और उन्होंने देश के नाम को रोशन किया। उनके इस तरह के कार्य की वजह से उन्हें पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया और उनका इस तरह से मैं जाना बहुत ही अफसोसनाक है और ये बड़ा सदमा है दानी से जुड़े हुए लोगों के लिए और पूरे पत्रकार जगत के लिए। मैं अपनी तरफ से और सभी पत्रकार साथियों की तरफ से एक दानिश के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अफगानिस्तान में काफी उथल पुथल मची हुई है, भीषण तबाही का दौर लगातार जारी है। अफगानिस्तान में जो अनार्की सैनिक थी वो वहां से जा चुकी है, तो तालिबानी जो आतंकी है वो अपना वर्चस्व लगातार वहां पर बना रहे हैं, हिंसा का माहौल है। ऐसे में दानिश सिद्दीकी जो कि एक भारतीय पत्रकार है, फोटो जर्नलिस्ट है, उस हिंसा को, उस माहौल को, उस दर्द को कवर करने गए थे, लेकिन वहां से ये जानकारी मिली है कि दानिश की हत्या कर दी गई है। एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वीडियो बहुत भीषण है। हालांकि कंधार में ये तस्वीर पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी पत्रकारों पर हमले हुए हैं, लेकिन भारतीय पत्रकार को इस तरह से मौत के मुंह सुला देना वाकई एक बहुत बड़ा मामला है। उम्मीद है कि आगे चलकर वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कसी है। इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में ही रहेंगी। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा भी लेंगी। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, हालांकि सफलता कहीं हाथ नहीं लग रही है। कांग्रेस की तैयारियों को और ताकत देने के लिए प्रियंका गांधी यूपी तो पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर आई हैं। अपने इस दौरे में प्रियंका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगी। लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत को लेकर होर्डिंग्स, बैनर्स, पार्टी के झंडे लगाए गए। पार्टी मुख्यालय भी नए रंग रूप में तैयार किया गया। प्रियंका गांधी हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माला अर्पण करने भी पहुंचे। इसके बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचकर वहां पर बैठक की। इस दौरान प्रियंका गांधी योगी सरकार पर जमकर बरसती हुई नजर आई हैं। हालांकि लखनऊ पहुंचते करीब 2.5 घंटे तक उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। प्रियंका गांधी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन सेवा दल, NSUI, महिला कांग्रेस मोर्चा समेत विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। आगे भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम आगे क्या रहने वाले हैं। करीब दोपहर 1:03 पर वो गांधी प्रतिमा पर पहुंची और वहां उन्होंने 2 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक, यानी कि अब तक ये बैठक लगातार जारी है। बैठकों के बाद वो रात्रि विश्राम करेंगी और यही सिलसिला वो लगातार जारी रहेगा। तो 3 दिन प्रियंका गांधी लखनऊ में ही रहने वाली हैं और लखनऊ में रहकर वो 2022 की पूरी तैयारी कर रही हैं। आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी सिर्फ आज ही लखनऊ में सक्रिय नहीं है, वो ट्विटर के माध्यम से भी लगातार सरकार को घेरती रहती है, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हो, हर मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमलावर रहती हैं। और इसी सिलसिले में अब वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए
तो मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी और इसी के साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की हुई थी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोरोना के जो नियम है उनकी ध्वजियां उड़ाई गई हैं। 3 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी ध्वजियां उड़ाने के साथ ही वहां पर पूरा जो पुलिस बल था वो तैनात था। उसके बाद भी जो कार्यकर्ता थे वो नहीं मान रहे थे, तो 2.5 घंटे तक प्रियंका गांधी मौन रही। उम्मीद जताई जा रही थी प्रियंका गांधी जरूर कुछ ना कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगी, अपने बयान रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मौन रही। हालांकि उनके मौन से भी कई सारी चीजें देखी जा रही हैं कि वो इसलिए मौन थी क्योंकि वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं और एक मौन के जरिए भी उन्होंने सरकार पर हमला किया है। ट्विटर ने अब फर्जी अकाउंट्स को भी ब्लू बस देना शुरू कर दिया है। बस हालांकि जो आपकी आईडी के सामने जो टिक होता है उसे भी ब्लू बस कहते हैं। ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी एक बार फिर से चरमरा रही है। क्या कंपनी कूप से डर गई है? इसके तमाम सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में आ रहे हैं, या फिर वेरिफिकेशन पॉलिसी पर ठीक से काम नहीं किया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर हाल ही में नए वेरिफिकेशन पॉलिसी लेकर आया है। इसको लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। विवाद ये है कि कंपनी अब फेक अकाउंट, बॉट अकाउंट और ट्रोल अकाउंट को भी ट्विटर हैंडल वेरीफाई कर रही है। ट्विटर की पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा गया है कंपनी फेक, बॉट, पैरोडी या ट्रोल अकाउंट वेरीफाई नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा किया जा रहा है। कई हैंडल ऐसे हैं जो ट्रोल्स हैं और उन्हें वेरीफाई कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए कुछ हैंडल्स को हटाए भी है, लेकिन अब भी ये मसला सुलझा नहीं है। इससे पहले तक ट्विटर वेरिफिकेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था। कंपनी सिर्फ क्रेडिबल अकाउंट्स को ही ब्लू बस देती थी या फिर ये कहें कि वेरीफाई करती थी। अब कंपनी ऐसे भी अकाउंट्स को वेरीफाई कर रही है जो पहले ट्रोल अकाउंट्स थे और बाद में हैंडल चेंज कर दिए गए। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। क्या ट्विटर को अब भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कूप से डर लग रहा है? दरअसल कूप पर अकाउंट बनाकर ज्यादा फॉलोअर्स बटोरना और वेरिफिकेशन पाना ट्विटर के मुकाबले अभी आसान है। ऐसे में लोग वहां वेरिफिकेशन कराकर ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स इन वजहों से कूप पर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में शायद ट्विटर भी अपने यूजर्स को बनाए रखने के लिए गलत सही हर तरीके से अकाउंट्स को वेरीफाई करना शुरू कर रहा है। हालांकि अब भी कई योग्य अकाउंट्स वेरीफाई नहीं किए गए हैं जबकि ट्रोल्स के अकाउंट वेरीफाई हो चुके हैं, इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है। ट्विटर किस तरह के फेक हैंडल को वेरीफाई कर रहा है अब ये भी जान लीजिए। अजय राम के एक प्रोग्रामर है जिन्होंने ये खंगाला है कि कैसे ट्विटर ने फर्जी हैंडल को वेरीफाई किया। अजय के मुताबिक ईश्वर चौधरी नाम का अकाउंट अब वेरीफाई कर दिया गया है। ये अकाउंट पहले मिथुन चक्रवर्ती, कंगना रावत और सौम्या पांडे के नाम से चलाया जाता था, यानी एक पैरोडी अकाउंट था। प्रोग्रामर अजय के मुताबिक इस हैंडल से बार बार यूजर नेम भी बदलते जाते हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जहां ये तस्दीक हो रहा है कि अकाउंट अलग अलग यूजर नेम से ट्विटर पर आ रहा है। उन्होंने कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि इस हैंडल से दूसरों की ट्रोलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, ट्वीट में आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा भी कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो फेक है और कंपनी ने वेरीफाई कर दिए हैं। कोई एक फर्जी वेबसाइट बना जाती है और उसके सीईओ और एडिटर के तौर पर हैंडल बना दिए जाते हैं, इसे भी ट्विटर ने वेरीफाई कर दिया है। ट्विटर पर इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा भी देखा जा सकता है। कई योग्य अकाउंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं लेकिन फेक और ट्रोल अकाउंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, ऐसे में उनका गुस्सा भी लाजमी है। ट्विटर वेरिफिकेशन के नुस्खे क्या है वो भी जान लीजिए। पत्रकारों का ट्वीट वेरीफाई करने के लिए कंपनी उनसे किसी पब्लिकेशन में प्रकाशित हुए कुछ आर्टिकल्स के लिए लिंक मांगती है। ऐसे में कुछ फर्जी अकाउंट्स की तरह से किसी पोर्टल पर अकाउंट बनाकर लेख पब्लिश कर दिए गए हैं। यही लिंक ट्विटर को देकर वेरिफिकेशन बस हासिल किया जा रहा है। ट्विटर ने क्या माना है वो भी समझिए। हाल ही में ट्विटर ने ये बात मानी है कि गलती से कुछ फेक अकाउंट्स भी वेरीफाई हो गए थे, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें से ये भी क्लियर होता है कि कंपनी के वेरिफिकेशन प्रोसेस में दिक्कत जरूर है। कई लोगों को ये भी मानना है कि कंपनी अगर पैरोडी और फेक अकाउंट्स या फिर किसी भी नॉर्मल अकाउंट्स को वेरीफाई करेगी तो धीरे धीरे वेरिफिकेशन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। यूजर्स को ये भी डर लग रहा है कि फिर वो सरकारी अफसर या फिर किसी को टैग करके गुहार लगाएंगे तो उनकी सुनी भी नहीं जाएगी, यानी कि उनकी सुनवाई नहीं होगी।
वैसे भी आप जानते हैं कि भारत में कितनी बार सुनवाई होती है, क्योंकि धीरे धीरे सही गलत हर तरह के अकाउंट्स को व्यूवर्स मिल रहा है। कंपनी ने कई सालों के लिए पब्लिक वेरिफिकेशन एप्लीकेशन को होल्ड पर रखा था, हाल ही में इसे फिर से शुरू किया गया है। अब एक बार फिर से कंपनी की वेरिफिकेशन पॉलिसी पर विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इसे लेकर आगे क्या कदम उठाती है। क्या कू से डर गई है कंपनी? ये सवाल पहले भी मैंने किया और अब भी मैं कर रही हूँ, तो कैसे सवाल मेरे नहीं है, सोशल मीडिया यूजर्स के हैं और तमाम जो आम जनता है उनके भी हैं। दरअसल कू पर लोगों की तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, वेरिफिकेशन बढ़ रहा है। कू भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसे में मुमकिन है कि ट्विटर को डर रहेगा ही। डर इस बात का कि अगर लोग वेरिफिकेशन के लिए कू पर शिफ्ट होंगे तो ऐसे में ट्विटर का यूजर बेस घटेगा, इसलिए उन्हें ट्विटर पर ही व्यूवर्स देकर रोक लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तल्खी साफ तौर पर देखी गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुएं में गिरे बच्चे को बचाते समय बड़ा हादसा हो गया। ये मामला कल का है। इस दौरान कुआं धस गया जिससे करीब 40 लोग उससे जा गिरे। गंजवा सौदा के लाल पठार क्षेत्र में एक बच्चे को बचाने के दौरान करीब 40 लोग एक साथ कुएं में गिर गए थे, जिनमें से 20 लोगों को बचा लिया गया, 4 लोगों की जान चली गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी रही। आज दोपहर तक मुख्यमंत्री के निर्देश पर देर रात मंत्री विश्वास सांगर वहां पहुंचे, घटना की स्तरीय जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सीएम शिवराज खुद लगातार अपडेट लेते रहे। घटना के बाद हर स्थिति पर सीएम शिवराज की नजर थी, वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। ट्विटर के माध्यम से भी वो मौके की जानकारी दे रहे थे। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा पीड़ितों को हर संभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन सवाल यह है सीएम साहब, किस हर बार यही होता है, हर बार इस तरह के बोरवेल्स बना दिए जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, कई बार इनमें बच्चे गिर जाते हैं, कई बार गिरने से मौत भी हो जाती है, लेकिन हर बार ये कहकर कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इस पूरे मामले को रफा रफा कर दिया जाता है, ठंडे बस्ते में छोड़ दिया जाता है। सीएम शिवराज सिंह बेस पर कंट्रोल रूम भी बना। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फौरन कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। ट्विटर पर सीएम ने कहा, पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है, मैंने इसी स्थान को कंट्रोल रूम बना दिया है। लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ, बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग भोपाल कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ स्थिति पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश पर मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल कमिश्नर कविंद्र किवांग भी मौके पर पहुंच गए। देर रात पहुंचे मंत्री सारंग और कमिश्नर ने मीटिंग कर जिम्मा संभाला हुआ था। आखिरकार लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन जो 4 मौतें हुई हैं, सवाल उनका है कि आखिर उनकी मौत हुई लापरवाही किसकी है, किसकी लापरवाही है, किसकी वजह से, क्योंकि बताया जा रहा है कि खुले में ही ये कुआं खोद दिया गया था और यहाँ पर उसे ढका भी नहीं गया था, ना ही कोई ऐसा वहां पर साइन था कि यहाँ पर जाना मना है या आगे खतरा है, ऐसी तमाम चीजें वहां पर नहीं थी। तो गलती किसकी है? बचाव कार्य किया गया, लोगों को बचा लिया गया, लेकिन उस मासूम बच्चे को बचाने के लिए जो 40 लोगों वहां कूदे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता के जहन में लगातार बने हुए हैं। तो पूरा मामला कल का था, जहां पर विदिशा में एक मासूम बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया था, जिसको बचाने के लिए 40 लोग कुएं में कूद गए थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। देश में कोरोना महामारी का संकट अभी बना हुआ है। संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। देश भर में अब तक 22% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि सिर्फ 6% लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, यहाँ सबसे ज्यादा आबादी को टीका लगा है, लेकिन आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार वैक्सीनेशन में सबसे सुसज्जित है, लेकिन पेट थपथपा रहे हैं। यूपी में सिर्फ 4% और बिहार में 3.7% आबादी को ही टीके की दोनों डोज लगी है, जबकि हिमाचल प्रदेश केरल जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 16% से ज्यादा है। दिल्ली गुजरात में 13% आबादी को दोनों खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 8.8%, मध्य प्रदेश में 9.6%, पंजाब में 6.3%, तमिलनाडु में 5.3%, उत्तराखंड में 5.2% लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन की एक डोज मामले में भी यूपी और बिहार से सज्जी है। यूपी में कुल आबादी के 21.5% और बिहार में 22% आबादी को एक ही टीका लगा है, जबकि हिमाचल में 62, दिल्ली में 45, गुजरात में 44, केरल में 43, राजस्थान में 42, महाराष्ट्र में 31
और पंजाब में 27% से ज्यादा आबादी ने कम से कम एक डोज ले ली है। तो नंबर के हिसाब से यूपी नंबर वन है। हालांकि नंबर के हिसाब से वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यूपी में अब तक सबसे ज्यादा 3,95,00,000 डोज दिए जा चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। इन्हीं दो राज्यों में 3 करोड़ से ज्यादा डोज लगी है। इसके अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जहां 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और 8 राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगी है। देश भर में अब तक कुल 39,53,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें से 38,78,000 डोज बीते दिन दिए गए हैं। कुल 31,61,00,000 लोगों की पहली डोज मिली है, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बदलाव की आहट शुरू हो गई है। सुबुगाहट दिखाई दे रही है। येदुरप्पा मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया है। येदुरप्पा आज शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके बाद आज शाम या कल वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने गुरुवार को कहा था कि उनके मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात के बाद लिया जाएगा। राज्य के विकास, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने और कई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मतलब कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, चर्चा के बाद देखते हैं। मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच येदुरप्पा ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटिंग ने बुधवार को कहा था कि ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री कावेरी नदी पर मेकातु परियोजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की मांग पर चर्चा हो सकती है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री से भेंट करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए येदुरप्पा ने कहा था कि उन्होंने मुलाकात करने और समय देने को कहा है, इसलिए सबसे मुलाकात करने के बाद मैं शनिवार को वापस आ जाऊंगा। लेकिन उनका दिल्ली जाना क्या रंग लेकर आता है, देखने वाली बात होगी। साथ ही बात में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे 7 बड़े मुद्दों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ। जी, जो हमारे यहाँ पलायन हो रहा है।